एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के पथरिया मुख्यालय पर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल राजेश अहिरवार की मौत के बाद शव की पंचनामा कार्रवाई किए जाने के बाद पोस्टमार्टम के पश्चात शव गृह से शव घर तक लाने के लिए उनके परिजनों को खाट का सहारा लेना पड़ा। दरअसल इनको शव वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया, ऐसे में मजबूरी में इनको राजेश अहिरवार के शव को खाट पर लेकर के घर तक आना पड़ा। ऐसे में पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तो वहीं इस मामले के संज्ञान में आने के पश्चात कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम के द्वारा नगरपालिका के सीएमओ और शव वाहन प्रभारी को शोकाज नोटिस भी दिया गया है। एशियन न्यूज़ के लिए पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। आप लोग सब को ऐसे खटिया पर क्यों ले जा रहे हैं? वाहन प्राप्त नहीं हुआ क्या नगर परिषद से? नहीं, कोई वाहन नहीं। सूचना दी थी नगर पंचायत में? सूचना दी थी सफाई दरोगा को, मनोहर को और कलीम खान की। कितने बजे की घटना है भाई? रात में 11 बजे की। अच्छा, जो एक्सपायर हुए इनका नाम क्या है? राजेश। आपके भाई हैं? वार्ड नंबर? और हम यहाँ पीएम से घर तक ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिल रहा, और जो नगर पालिका वाले हैं इनको भी फोन लगाया, दो घंटे से हम ऐसे ही बैठे हुए हैं भाई, कोई वाहन भी नहीं आया यहाँ पे, कोई साधन नहीं मिला, साधन ही नहीं आया। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और क्योंकि जानकारी भी दी गई थी। क्या नाम है आपका? अनिल अहिरवार। पता नहीं इसको ले आने, मानो वहाँ से पीएम घर से कोई साधन नहीं मिला है वाहन। नगर पालिका को फ़ोन करा है कि दो चार बार कर रहा है, 9 बजे हो गया था इसका पीएम, 9 बजे से अभी तक बैठा है, कह रहा है आ रहा है, अभी तक कोई वाहन नहीं भेजा हमने। तो हम किस स्थिति में ले जाना पड़ रहा है इसकी लाश के लिए, और हमें कोई मानव सर का मानव नगर पालिका से ऐसा कोई व्यवस्था नहीं मिली जो हम अपना इसको ले जाएं। कैसे ले जा रहे हैं तो? और उसको चार पाई पे रख के ले जा रहे हैं हम। कौन हैं आप इनके? क्या हम लड़के के चाचा हैं जो ये ख़त्म हो गया। क्या नाम? रामचरण अहिरवार। हाँ, शव को ये सूचना कल की मिली है और बड़ी दुखद घटना है। इस पे एसडीएम ने सीएमओ और वहाँ पे जो प्रभारी हैं उसके नगर पालिका के वाहन के, उन दोनों को एसीएन जारी किया है और उसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे। जो प्रथम दृष्टिया तो जो अभी सामने आया है उसमें ये फैक्ट आया है कि जो सम्माननीय पार्षद भी थे उनसे भी चर्चा हुई, तो सीएमओ को शायद नहीं फ़ोन किया गया था, वाहन प्रभारी को उन्होंने सीधा फ़ोन किया था। मगर जैसी भी स्थिति है, ये संवेदनशील मामला है, इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, जिसको भी किया गया था उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे कहीं ना हो। यह है सरदार पटेल ओवरब्रिज, जो रात के वक्त अंधकार में डूब जाता है। सरकार है सरकार से हमारी, इसे रोशन किया जाए, यही हमारा मुद्दा।